21 के पहले वाला प्रेजेंट और 2021 में पढ़ के जाने वाला प्रेजेंट में, दोनों की कमाई में और काम में कितना फर्क हुआ? फर्क ये है जी, अगर मैं ये काम सीख के ना जाता तो काम शायद बंद हो जाता, क्योंकि ओसी का काम था पहले। अच्छा। ओसी का काम बिल्कुल डाउन है इस टाइम। अच्छा। और जो मैं आईसी का काम सीख के गया वही काम तो मुझे सक्सेस कर रहा, और लग रहा है कि आगे मैं दो पैसे कमा भी सकता हूँ। अच्छा। तो आपके घर की रोजी रोटी अभी इससे ही चल रही है? जी बिल्कुल, ये इसी काम से चल रही है। इसी काम से चल रही है। अपने काम से जी ऑलवेज बैकअप में रहते हैं जी सर। तो बैकअप कितना जरूरी है जितेन? बहुत जरूरी है सर, क्योंकि हम एक बार में पूरा तो माइंड में रख नहीं सकते हैं। 100% एक बार में कोई नहीं ले, कोई नहीं रख सकता है। बराबर। और मान लीजिए इसके पहले हम एमसी चेंज कर रहे थे, दूसरी फंडा मिला है इस बार और आसान फंडा मिला है। अच्छा। अगली बार और आसान मिलेगा। एक सर बेस्ट है, पूरे इंडिया में सबसे बेस्ट यही है, इससे आगे कुछ नहीं है। पर जितने तो एक ही बार दिए। तो ये जो आपकी बैकअप की क्लास है किसी प्रकार का पैसा लग रहा है? नहीं सर, कोई पैसा नहीं। रहना खाना तुम्हारा? हाँ सर, ट्रेन का था वो रहना, वो खाना तुम्हारा वो है सर। बाकी यहाँ पे जो भी क्लास में बैठो सीखो, खुद के जो भी सीखो उसका। क्लास कितने दिन की होती है? 3 दिन। 3 दिन की क्लास होती है। एमएमसी लेवल पे या बड़े सॉफ्टवेयर लेवल पे काम कर पाते थे इसके पहले? नहीं सर, यहाँ से जाने के बाद ही सब चालू हो गया। मार्केट में एक अपनी आपकी पहचान बनी जी सर, पहचान के साथ कमाई बढ़ी आपकी? बढ़ गई। मैं क्या बोल सकता हूँ, अगर आपका काम बढ़ा है तो कमाई भी बढ़ी होगी। जब आप आईसी लेवल पे काम नहीं करते थे, आज आईसी लेवल पे काम कर रहे हो, एमएमसी लेवल पे काम कर रहे हो जी सर, है ना? तो आपकी कमाई इंक्रीज हुई है? जी बिल्कुल। कितना परसेंट हुई है आपकी? काफ़ी सर फर्क हो गया है, तो 4 गुना 5 गुना उससे ज़्यादा बढ़ गई है, जिससे पहले कम होती थी मतलब। तो जो है इसीलिए अपडेट के लिए आए, जो डाउट थे डबल टेकर के एमएमसी वगैरह के, उसको डाउट को 2-3 दिन के क्लास में तो क्लियर हो जाता है। हमारे साथ एक और स्टूडेंट है जी, नाम बताइए अपना। बीपी सिंह। कहाँ से हो भाई? यूपी से। यूपी से। बीपी, जब तुम इस फील्ड में एशिया टेलीकॉम को कब ज्वाइन किया था तुमने? 28 फरवरी 2021 में। 28 फरवरी 2021 जी, है ना जी। तो तकरीबन 1.5 साल हो गया जी, 1.5 साल बोल सकता हूँ इसको मैं जी। तो बीपी ये बताओ मेरे को कि आप इसके पहले आईसी लेवल पे, बेस्टेड आईसी पे, नॉर्मल सीपीयू पे, या बात करूँ एमएमसी पे, या इस टाइप का काम करते थे आप? नहीं बिल्कुल नहीं सर, खाली हल्का और खाली कनेक्टर वगैरह का ही काम करते थे, आईसी चार्जिंग जैक कनेक्टर का जी। तो वीपी ये बताओ मेरे को कि अभी एशिया टेलीकॉम ज्वाइन करने से पहले और एशिया टेलीकॉम ज्वाइन करने के बाद जब आपने यहाँ पर 1.5 साल काम किया, तो क्या फ़र्क है तुम्हारी कमाई में और काम में? अब तो सर बहुत फ़र्क हो गया है, आईसी लेवल का पूरा काम आता है, पहले खाली कनेक्टर वगैरह से ही काम चलता था, और इसमें जो होता है मतलब कमाई में भी बहुत फ़र्क पड़ता है, बिजनेस में काफ़ी अच्छा फ़र्क पड़ता है। तो एक पहचान बनी है आपकी जगह पे आपकी? बिल्कुल सर, वहाँ पे पहचान बनी है, पहचान अगर बनी है आपकी और काम अगर आप आईसी लेवल का कर रहे हो, तो आपकी कमाई इंक्रीज हुई है? जी बिल्कुल। कितना परसेंट हुई है आपकी? काफ़ी सर फर्क हो गया है, तो 4 गुना 5 गुना उससे ज़्यादा बढ़ गई है, जिससे पहले कम होती थी मतलब। अच्छा। और दूसरी चीज़ ये है कि इसमें इस लाइन में अपडेट होना बहुत ज़रूरी है सर, जो कि मतलब जैसा कि इस टीम ने बोला था कि हमको मतलब अपडेट देने के लिए जब चाहो तब आ सकते हो, वैसे ही ग्रुप में कई बार मैसेज आता है कि अपडेट के लिए आ जाओ, अपडेट के लिए आ जाओ, तो जो है इसीलिए अपडेट के लिए आए, जो डाउट थे डबल टेकर के एमएमसी वगैरह के। अच्छा। उसको डाउट को 2-3 दिन के क्लास में तो क्लियर हो जाता है। अच्छा। और क्या चीज़ अच्छी लगी आपको एशिया टेलीकॉम की यहाँ से पढ़ के गए तो? सर इसमें पता क्या है, सबसे मेन चीज़ ये होती है कि सपोर्ट बहुत ज़रूरी है, जैसे कोई टीचर के पास अगर फ़ोन करते हैं, मैसेज करते हैं, तुरंत रिप्लाई मिलता है, ठीक है। अब वह पता लगा कि एक बार पढ़ा दिया गया, बाद में कोई फ़ोन ही नहीं उठाता है, तो उसका क्या लाभ मिलेगा? या अगर एक बार फीस ले ली कि दोबारा बैकअप नहीं मिलेगा, तब भी कुछ नहीं होगा उसमें। बैकअप क्लास बहुत ज़रूरी है, बैकअप जो एशिया टेलीकॉम दे रहा है, और मतलब यहाँ के टीचर बहुत अच्छे हैं कि फ़ोन या कॉल तुरंत उठाते हैं, और अगर हमको कोई फाइल वगैरह की ज़रूरत जो भी सपोर्ट चाहिए वो तुरंत मिलती है। अच्छा, तो जो एशिया टेलीकॉम बोलता है वो करता है कि नहीं? जी जी बिल्कुल, इसीलिए तो एशिया टेलीकॉम नंबर 1 है सर।
आप एक बड़े नंबर वन इंस्टीट्यूट से आप जुड़े हैं जी। तो आपको फक्र महसूस होता है कि यार मैं एक बढ़िया संस्था से, बढ़िया टीचर से, बढ़िया फैकल्टी से जुड़ा हूँ। जी जी जी, मुझे इस बात का बहुत गर्व है कि बहुत बड़े इंस्टीट्यूट से जुड़े हुए हैं इस लाइन में। तो वीपी, अगर मैं एक शब्द में अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ कि एशिया टेलीकॉम के बारे में, देवरतन अग्रवाल सर की टीम के बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? बहुत सर नंबर वन टीम है, यहाँ के जो टीचर वगैरह हैं सब नंबर वन है। देवरतन सर उनका तो कह नहीं जा सकता है सर, जब भी मैसेज करते हैं तुरंत रिप्लाई देते हैं और लास्ट एंडलेस सर, मतलब जो भी फॉल्ट है उसका एंडलेस सर्वे सर, उसके अलावा कुछ होते ही नहीं है। और एक नंबर में जरूर होता है, अगर वो कर लिया तो हो गया समझ लीजिए। तो जो नॉलेज है, जो नोट लिखवाए हैं, जो वॉइस रिकॉर्डिंग करके गए, वो आज तक काम में आ रही है? आज तक आ रही है काफ़ी। तो सर मतलब नोट्स तो बहुत ज़रूरी हैं, जो नोट्स बताए गए हैं उसी के आधार पर सब काम होता है। तो और यहाँ का डिसिप्लिन कैसा है? यहाँ का बहुत अच्छा है सर, डिसिप्लिन होना ज़रूरी है कि नहीं? बहुत ज़रूरी है सर। आप कौन सी बैच के स्टूडेंट हैं? 28 नवंबर 2021। 28 नवंबर 2021। तो अभी एशिया टेलीकॉम कैसा ना हुआ आपका, आप तो पढ़ के जा चुके हैं? यस सर, थोड़ा बैकअप चाहिए था। बैकअप चाहिए था, सपोर्ट अपडेट, अपडेट सपोर्ट अपडेट चाहिए था आपको? हाँ सर। तो अपडेट मिला कि नहीं मिला? बिल्कुल जो सोच के आया था वो मिला कि नहीं मिला? जी सर बिल्कुल क्लियर हो गया सर सभी। नारायण, मैं तुमसे पूछना चाहूँगा कि नारायण, इसके जब एशिया टेलीकॉम ज्वाइन नहीं किया था और एशिया टेलीकॉम से एक महीना पढ़ के गए, उसके बाद में वाले नारायण में और आज के नारायण में क्या फ़र्क है? बहुत अंतर है सर, बहुत। तो आप आईसी लेवल पे, एमएमसी लेवल पे या बड़े सॉफ्टवेयर लेवल पे काम कर पाते थे इसके पहले? नहीं सर, यहाँ से जाने पे, जाने के बाद ही सब चालू हो गया। अच्छा, मार्केट में एक अपनी आपकी पहचान बनी? जी सर। पहचान के साथ कमाई बढ़ी आपकी? बढ़ गई। मैं क्या बोल सकता हूँ, अगर आपका काम बढ़ा है तो कमाई भी बढ़ी होगी। जब आप आईसी लेवल पे काम नहीं करते थे, आज आईसी लेवल पे काम कर रहे हो, एमएमसी लेवल पे काम कर रहे हो। जी सर, है ना। और अगर अभी आप डबल डेकर पे काम कर रहे हैं? डबल डेकर पर थोड़ा फॉल्ट आ रहे थे सर, पर आज से सब कुछ क्लियर हो गया। सब क्लियर हो गया, क्योंकि विधि का विधान है कि एक बार में सब कुछ नहीं सीखा जा नहीं सीखा जाता। तो ये जो बैकअप सपोर्ट होता है, अपडेट क्लास होती है, ये कितना ज़रूरी है, जो देव सर ने आपको पहले दिन से बोला था और आज भी कायम है उस चीज़ पे। तो एशिया टेलीकॉम जो बोलता है वो करता है कि नहीं करता? है सर, 100% करता है। कोई जद्दोजहद करना पड़ी या कोई जिहाद करना पड़ा? नहीं सर, नहीं सर, नहीं। कोई जंगवंग लड़ना पड़ी या 4-6 का ग्रुप इकट्ठा करना पड़ा या बोलना पड़ा? नहीं, कभी ऐसी नौबत आई है क्या? नहीं सर, सर ने ग्रुप में मैसेज डाल दिया कि भाई बैकअप क्लास है आ जाओ, तो आ गए। अच्छा, हमको कितनी बार बैकअप क्लब के क्लास के मैसेज मिल चुके हैं सर? बहुत बार मिले, बहुत बार मिले में। यस सर, है ना। आप अपनी अभी टाइमिंग सेट करके, जो भी आपका प्रोटोकॉल है वो आपको ब्रेक करके और यहाँ पर आना। हाँ, तो नारायण कैसा लग रहा है आपको? एक नंबर लग रहा है सर, एक नंबर लग रहा है। तो अभी जो डाउट्स लेके आए थे वो सारी चीज़ें क्लियर है? सब क्लियर है सर, अब तो और अच्छे से बनाएंगे, अब और अच्छे से बनाएंगे। यस सर। तो आप कितनी बार आ सकते हो बैकअप की क्लास में एशिया टेलीकॉम? और जितने बार, एक ही बार दिया? एक ही बार दिए, एक ही बार दिए। तो ये जो आपकी बैकअप की क्लास है, किसी प्रकार का पैसा लग रहा है? नहीं सर, कोई पैसा नहीं, कोई पैसा नहीं। रहना खाना तुम्हारा? हाँ सर, ट्रेन का आता है वो रहना, वो खाना तुम्हारा वो है सर। बाकी यहाँ पे जो भी क्लास में बैठो, सीखो खुद के, जो भी सीखो। अपनी क्लास कितने दिन की होती है? 3 दिन। 3 दिन की क्लास होती है? 3 दिन की क्लास होती है। 3 दिन की क्लास तुम्हारे हिसाब से इनफ है कि नहीं? इनफ है। सारी चीजें डाउट्स क्लियर हो जाते हैं? क्लियर हो जाते हैं। छोटे छोटे डाउट रहते हैं सर, वो सब क्लियर हो जाते। मतलब हम क्या होता है कि 100% अगर हम काम करें तो हम 5% में फंसते हैं, वो 5% आके हमारा क्लियर हो जाता है, क्योंकि हमको एबीसीडी तो सीखना नहीं है, कि हमको महीने भर की क्लास चाहिए। लास्ट में थोड़ा फंस रहे थे, वो सब क्लियर। नारायण, मैं अगर एक शब्द में पूछना चाहूँ कि एशिया टेलीकॉम और एशिया टेलीकॉम की टीम और देव सर के बारे में अगर मैं पूछना चाहूँ तो क्या बोलेंगे आप? एक सर बेस्ट है, पूरे इंडिया में सबसे बेस्ट यही है, इससे आगे कुछ नहीं है, इसके ऊपर कुछ नहीं है, कुछ नहीं। अच्छा, यहाँ का मैनेजमेंट कैसा लगता है आपको? बहुत बढ़िया है सर, एक नंबर है। मैनेजमेंट बढ़िया लगता है? यस सर। क्लास में अपडेट हुए हम? हाँ सर, क्लास में भी अपडेट हुए। आज आपको बोर्ड पर पढ़ाया था, आज हम डिजिटल बोर्ड पर पढ़ा रहे हैं। यस सर। चलिए, तो आप जिस गुरुकुल में पढ़े हैं, जिस इंस्टीट्यूट में पढ़े हैं, जिस कॉलेज में पढ़े हैं, तो उसको ऑलवेज अपडेट होता है, तो आपको भी खुशी होती है? यस सर। है ना, पहले टीम 5 टीचर की थी, आज टीम 6 टीचर की है, और आने वाले टीम में हो सकता है कि 10 टीचर की टीम हो यहाँ पर। यस सर। है ना, तो क्या बोलेंगे अगर एक शब्द में पूछना चाहूँ कि अगर कोई अगर स्टूडेंट आना चाहे यहाँ तो क्या बोलेंगे आप? बिल्कुल पहुँच ही जाओ, ज़्यादा सोचो मत, बस सीखना है, पहुँच जाओ। हमारे साथ
पिकअप क्लास के एक और स्टूडेंट है, देखते आइए, देखते हैं हम क्या करते होंगे। मैं आपसे पूछना चाहूँगा, सबसे पहले अपना नाम बताइए। जी, मेरा नाम ब्रिजेश कुमार जायसवाल है। ब्रिजेश कुमार जायसवाल जी सर। आप यहाँ पर किस लिए हैं? जी, बैकअप क्लास के लिए। बैकअप क्लास तो कोई एक्स्ट्रा चार्ज पे कर रहे हैं? कोई नहीं। तो जैसा कि आपको पहले दिन काउंसलिंग क्लास में, आपको 27 तारीख को आपकी काउंसलिंग क्लास थी, 28 से मेन क्लास थी जी। तो जैसा सर ने आपको बोला था कि जीवन भर का साथ है मेरा, तो ऐसा लगा कि जीवन भर का साथ नहीं है? मिल रहा है सर, जीवन भर के लिए मिल रहा है। मिल रहा है जी। टीचर ऑलवेज आपके सपोर्ट में रहते हैं एकदम। अगर आप कोई काम में अगर फंसते हैं तो आपको वर्चुअल सपोर्ट, मतलब व्हाट्सएप का सपोर्ट मिलता है आपको? मिलता है सर, मिलता है। टीचर से कॉलिंग करना चाहे तो होता है, बात होती है, होता है, होता है। किसी भी टीचर से आप, किसी भी टीचर से बात होता है, किसी भी टीचर से बात होता है। तो जितेंद्र, ये बताइए मेरे को कि जब आपने, कौन सी बैच के स्टूडेंट थे? 28 मार्च अट्ठाईस मार्च लॉकडाउन के स्टूडेंट थे आप जी। तो 28 मार्च के बाद वाले जितेन में और आज के जितेन में कितना फर्क है? बहुत फर्क है, दिल्ली आसमान का, जमीन आसमान का जी जी। तो कमाई में क्या, कितने गुने की वृद्धि हुई आपकी? बहुत, 50-60% हुई, 60% की ग्रोथ हुई जी। तो आप एशिया टेलीकॉम में आप पढ़े तो उससे संतुष्ट है कि नहीं है? बिल्कुल संतुष्ट। और अगर एक ड्रीम वाला इंस्टीट्यूट होता है ना कि जो आगे भी हमारा साथ दे, तो आपको साथ मिल रहा है कि नहीं? एकदम मिल रहा है सर। और अगर जितेन, अगर तुम्हारे क्षेत्र से कोई आना चाहे तो क्या बोलेंगे अभी आप? मैं बेझिझक बोलूंगा आ जाए। अच्छा, तो जितेन यहाँ आने से पहले आप आईसी लेवल पे, एमएमसी लेवल पे और सीपीयू लेवल पे किसी प्रकार का कोई काम करते थे क्या? मैं कुछ करता ही नहीं था, सिर्फ चार्जिंग बनाता था, चार्जिंग नॉर्मल काम थे। आज मैं बात करूँ तो आप क्या क्या कर रहे हैं आप? मैं ईएमसी चेंज कर लेता हूँ, डबल डेकर कर देता हूँ जी जी। डबल डेकर का मतलब ऑल काइंड ऑफ मोबाइल, पूरा कोई सी भी चीज आपकी छूटी नहीं है। बात करें अपन सॉफ्टवेयर की, बात करें एमएमसी की, बात करें डबल डेकर की, आपको सर्किट्स का सारा नॉलेज है, नॉलेज है, स्कीमेटिक आप चलाते हैं जी। चलिए, ये बहुत अच्छी बात है। तो अगर मैं एक शब्द में पूछूं तो देव सर की, एशिया टेलीकॉम की टीम के बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? देव सर बेस्ट है, देव सर बेस्ट है जी। और एक टीम वर्क है कि नहीं यहाँ पर? पूरी है सर, पूरी टीम है जी। कोई एक ही टीचर है कोई जो सारा सब कुछ पढ़ा रहा है? नहीं नहीं नहीं, सारे टीचर अलग अलग हैं, हर फैकल्टी का अलग अलग टीचर अलग अलग। अगर हमारे अगर तीन डिपार्टमेंट है तो तीन डिपार्टमेंट के संबंधित टीचर अलग अलग। टोटल आपको 6 टीचर पढ़ाते हैं जी। तो 2 टीचर ऑलवेज बैकअप में रहते हैं जी सर। तो बैकअप कितना जरूरी है जितेन? बहुत जरूरी है सर, क्योंकि हम एक बार में पूरा तो माइंड में रख नहीं सकते हैं। 100% एक बार में कोई नहीं, कोई नहीं रख सकता है, बराबर है। और मान लीजिए इसके पहले हम एमसी चेंज कर रहे थे, दूसरी फंडा मिला है, इस बार और आसान फंडा मिला है। अच्छा, अगली बार और आसान मिलेगा, बराबर। तो जुड़े रहना आपको, कंटिन्यू जुड़े रहना पड़ेगा दम सर। तो अभी यहाँ पर आए तो किसी प्रकार की कोई दिक्कत हुई? कोई टीचर, कोई दिक्कत नहीं? टीचर ने ऐसा बोला कि नहीं नहीं मेरे पास टाइम नहीं है? नहीं नहीं, ऐसा कोई नहीं बोला। व्हाट्सएप में ग्रुप में मैसेज आ जाता है 9 तारीख को या आओ या 22 तारीख को। देखो 10 तारीख से क्लास चालू होती है तो आपको 9 तारीख को बुलाया जाता है। 9 तारीख को आना है, 9 तारीख को आप स्टे करो, 10 तारीख को जो संभावित जो यहाँ का टाइम है उस टाइम में आप आ सकते हो, आ सकते हो। और अगर आपको 24 वाली बेंच में आना है तो 23 को आना पड़ेगा जी जी। तो कैसा सिस्टम लगा आपको? देव सर का सिस्टम जो बैकअप का सिस्टम बनाया है, एक रूल्स बनाया है ना, है ना, तो कैसा लगता है? बहुत बढ़िया लगता है। तो और क्या कहना चाहेंगे? अगर कोई एशिया टेलीकॉम में अगर न्यू एंट्री अगर करना चाहता है, इस फील्ड में फ्रेशर है या 10 साल से काम कर रहा है, तो उसने आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? एकदम आना चाहिए, जो फ्रेशर है उन लोगों को तो और आना चाहिए, क्योंकि जो पहले से काम करता है उसके दिमाग में और कंफ्यूजन रहता है ये वो, और जो फ्रेशर है उसको बताया जाएगा यही निकालो वही निकालेगा दूसरा। जितने हम 10 साल वाले को भी पढ़ाते हैं और फ्रेशर को भी पढ़ाते हैं, तो दोनों का ट्रीटमेंट अलग अलग होता है? नहीं नहीं, एक ही होता है, एक ही। ये एशिया टेलीकॉम का लाइव पेज है आप जिसमें देख रहे हैं, और जो आप स्टूडेंट को देख रहे हैं 1, 2, 3, 4 ये हमारे जो 4 स्टूडेंट है, एक्चुअली ये हमारी बैकअप क्लास के स्टूडेंट हैं। जो हमारी बैकअप क्लास स्टार्ट होती है हर महीने के
एक होती है क्लास हमारी 10 तारीख की, एक होती है हमारी 24 तारीख की। आज इनका दूसरा दिन बैकअप का है और बैकअप की क्लास के दिन ये वर्क कर रहे हैं और जो भी इनके डाउट्स थे ये क्लियर हो गए हैं और इनकी ज़बानी पूछते हैं। इधर देखिए, ये बताइए कौन सी बैच के स्टूडेंट थे? 28 मार्च 2022 21 के साथ लॉकडाउन के समय। तो लॉकडाउन के समय भी आपको ऐसा टेलीकॉम में पढ़ाया है? जी। आपको ऐसा तो नहीं बोला कि लॉकडाउन लग गया घर चले? नहीं नहीं, लॉकडाउन में भी टाइम के पढ़ाया आपको? हाँ जी। विपरीत परिस्थितियों में भी पढ़ाया। और अभी आप काय के लिए आए हैं यहाँ पर? EMMC चेंज और कुछ फॉल्ट थे जो हमारा डाउट थे, जो काम किया, काम करने के बाद जो आपके बग्स एरर थे उसको क्लियर करने आया जी। जी जी। तो जो चीज़ आप करने आए थे वो आपको मिली यहाँ पर? जी बिल्कुल। किसी प्रकार की कोई फीस लगी? नहीं, कोई फीस नहीं। कोई फीस लगी? एक्स्ट्रा कोई चार्ज नहीं, जो एक ही बार फीस ली। फीस वन टाइम फीस दी आपने, एक्स्ट्रा कोई चार्ज नहीं जी। तो इसके लिए कोई जद्दोजहद करना पड़ती है, बार बार सर की मुसामत करना पड़ेगी सर मेरे को बैकअप क्लास में? नहीं नहीं, ऐसा मालूम है आपको कि बैकअप क्लास ऐसे टेलीकॉम में प्रोवाइड है? किसके माध्यम से मालूम हुआ? ये तो सर सभी सर बताते हैं हमारे जो ग्रुप में, तो मालूम था आपको, ग्रुप में आपको मालूम कैसे? ग्रुप में इंफॉर्मेशन। तो स्टूडेंट बोलते हैं कि टीचर आपको, टीचर मैसेज कर, टीम ने आपको मैसेज किया? अपने आप ही मैसेज करते रहते हैं टीचर्स। महीने में कितनी बार आते हैं? कई बार मैसेज आ जाता है, कई बार मैसेज आते हैं, जिसको आना है वो बिल्कुल आ सकता जी, दो डेट तो है। ये सिस्टम कैसा लगा आपको? बहुत बढ़िया सिस्टम है। जहाँ पे आपने फीस दी है, जहाँ पे आपने सब कुछ दिया है अपना, और उसके बाद अगर आपको बैकअप के लिए कॉल आता तो आपको खुशी हुई थी कि यार एक ऐसा इंस्टीट्यूट है कि जो पढ़ाने के बाद भी हमारी फिक्र रखता है? जी बिल्कुल बिल्कुल। तो जो चीज़ आप यहाँ पर बैकअप में लेने आए, चीज़ सारी मिली आपको? हाँ जी। प्रेजेंट मैं आपसे पूछूंगा कि आप 2021 में मार्च में पढ़ के गए जी, तो 2021 के पहले वाला प्रेजेंट और 2021 में पढ़ के जाने वाला प्रेजेंट में, दोनों की कमाई में और काम में कितना फ़र्क हुआ? फ़र्क ये हाँ जी, अगर मैं ये काम सीख के ना जाता तो काम शायद बंद हो जाता, क्योंकि ओसी का काम था पहले। अच्छा। ओसी का काम बिल्कुल डाउन है इस टाइम। अच्छा। और जो मैं आईसी का काम सीख के गया वही काम तो मुझे सक्सेस कर रहा, और लग रहा है कि आगे मैं दो पैसे कमा भी सकता हूँ। अच्छा। तो आपके घर की रोजी रोटी अभी इससे चल रही है? जी बिल्कुल, इसी काम से चल रही है। इसी काम से चल रही है अपने काम से? जी बिल्कुल। और आप ऐसे टेलीकॉम में कितनी बार आ सकते हैं? यहाँ कोई लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड है। तो जो इंस्टीट्यूट आपको सही मायने में चाहिए था वो सही मायने में बिल्कुल बिल्कुल मिला जी। सारे टीचर ऐसे हैं जो अच्छे तरीके से समझाते हैं। अच्छा, मैं एक शब्द में पूछूंगा आपसे, हाँ कि अगर एक शब्द में पूछूंगा कि एशिया टेलीकॉम और देव सर की टीम है, जो एशिया टेलीकॉम की, देव सर इसके ऑनर है ना, एक टीचर भी हैं आपके, मेन टीचर हैं वो जी, तो उनके बारे में और उनकी टीम के बारे में क्या बोलेंगे आप? बेस्ट परफॉर्मेंस है जो सिखाते हैं, और जो फ़ोन के बारे में डीपली नॉलेज है बहुत अच्छी है, बिल्कुल कुछ छोड़ते ही नहीं है फ़ोन के बारे में। परमिस्टर अभी तक कोई यूट्यूब में नहीं बताया होगा? क्या नाम है आपका? संतोष। अभी आप क्या करने वाले हैं? थोड़ा सीखो निकल रहा हूँ। कौन सा फ़ोन है ये? MI Y1 है जी। तो अभी आप इसका CPU निकालने वाले हैं?